मित्रों, सुभाष होम गार्डन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशील शुक्ला। आज हम आपको एडिनियम के बारे में कुछ खास चीज़ें बताएंगे, क्योंकि धीरे धीरे अब ऐसी स्थिति होती जा रही है कि हर आदमी शिक्षा के लिए केवल डिग्री की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो बहुत सी चीज़ें सीख के अपने उद्यम, अपने व्यवसाय बहुत अच्छी तरह कर सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का जो मेरा वीडियो है, विशेष रूप से युवा वर्ग या महिलाओं या शहरी महिलाओं, उनके लिए मैं बना रहा हूं कि किस तरह से आप एडिनियम, जो आपका पौधा है जो आप सामने देख रहे हैं, क्योंकि ये जो एडिनियम का पौधा है इसको डेजर्ट रोज़ भी कहते हैं, मतलब रेगिस्तानी गुलाब, क्योंकि ये ड्राई शुष्क क्षेत्रों में बहुत अच्छा चलता है और ये सकुलेंट्स की कैटेगरी में आता है। इसके फूलों में विविधता अगर आप ध्यान से देखिए तो तरह तरह के इसमें कलर हैं। ये आपका देख रहे हैं पीला रंग, सिंगल पेटल, डबल पेटल, लाल रंग, पिंक रंग, गुलाबी, तरह तरह के फूल आप देख रहे होंगे, विविधता। पीले में डिफरेंट तरह के जो शेड्स हैं, पीले में एक ये भी शेड होता है, बहुत सुंदर। सफेद में, सिंगल में भी, ये डबल में है, और ये देखिए एक अलग तरह का बहुत सुंदर फूल। ये देखिए मिक्स कलर में कई तरह के इसमें मिलते हैं। लाल में भी एक इस तरह का लाल, एक बिल्कुल गुच्छे में और ब्लैकिश रेड टाइप। अब ये देखिए विविधता, फूलों में विविधता देखिए। इन पौधों के अलावा इनमें खास चीज होती है जो इनको और सुंदर बनाती है, वो होता है इनका कोडेक्स। ये जो आप नीचे देख रहे हैं स्ट्रक्चर, बहुत से लोग इनकी बोनसाई बनाना पसंद करते हैं। इनकी ये सुंदरता और बढ़ जाती है जब आप इस तरह के कोडेक्स रखते हैं। मतलब आप एडिनियम के पौधे खरीदने जाएं तो आपको 100-150 रुपए से लेके 2,000, 2,500, 3,000, 5,000 तक के मिलेंगे, जितने वो पुराने होंगे। इन पौधों को हम अपनी छत पर बड़ी आसानी से, इनकी जो इससे जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं अगर सीख लें तो हम बड़े अच्छे से इसका व्यवसाय कर सकते हैं। अब देखिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले, क्योंकि जितने पौधे आप देख रहे हैं सारे के सारे कलमी हैं, ग्रेफ्टिंग के द्वारा तैयार किए गए हैं। ग्रेफ्टिंग जिसका कि आप जानते हैं कि हम एक बीजू पौधा होता है उसके ऊपर हम कलम बांधते हैं, और सबसे पहला बीजू पौधा आपने कई बार देखा होगा इस तरह के पौधों में, एडिनियम में इस तरह की फली लगती है, लंबी लंबी फली आप देख रहे हैं। ये स्वस्थ फली अगर आपको कहीं मिले तो आप ये समझ लें कि इसको ध्यान रखना है, क्योंकि जब पक जाती है, बड़ी हो जाती है, तब यही फली फट जाती है, और अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो वो फली फटने के बाद उसके बीज उड़ जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ हमने रखा है किस तरह से फली फट गई है, और ये इसके हर एक बीज के चारों तरफ हवा में इसको, इसके बीज उड़ने के लिए खास तरह के विंग्स, इनके जो बीज होते हैं दोनों तरफ देखिए इसके विंग्स टाइप की स्ट्रक्चर होती है, जिससे ये हवा में उड़ जाते हैं। इस तरह से आपको जैसे ही फली इसकी फटने लगे उस समय इसको या तो धागे से बांध दें या फिर इसको तोड़ के कहीं लिफाफे में रख दें अच्छे से सूखने के लिए, और जब सूख जाए तो इसके बीज जो आप देख रहे हैं, ये बीज सब इसकी रुई नुमा जो आपका इसके विंग्स हैं, इसको निकाल के इसके बीज अलग करके रख लेते हैं। अलग करके रख के फिर इसको हम उगा सकते हैं। कैसे उगाएंगे? अगर हम ऐसे ही मिट्टी में डाल देंगे तो सड़ने का डर रहेगा, क्योंकि उसका मिक्सचर
उसका मिश्रण खास होता है। अब देखिए ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये छोटे छोटे पौधे तैयार हो गए इसके। कैसे तैयार हुए? इसमें मोरंग है, बढ़िया सी खाद है या कंपोस्ट आपके पास हो उसको मिला लें, और अगर मार्च अप्रैल के आसपास आप बो रहे हैं तो हल्का सा उसमें कोकोपीट भी मिक्सर में डाल सकते हैं तो मॉइस्चर बनी रहती है। उसमें इसको बोएंगे तो अच्छे से जम जाएंगे, जब जम जाएंगे थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो एक ही ट्रे में बहुत ज़्यादा पौधे हो जाते हैं, इसलिए हम उसको या तो छोटे छोटे गमलों में या थोड़ा सा कई ट्रे में थोड़े थोड़े पौधे अलग अलग करके लगा देते हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा मोटा होने लगा यही पौधे, और जब बड़े हो जाते हैं तो इस तरह से हम गमलों में सेट कर देते हैं। और ये जब थोड़ा सा मोटे हो जाते हैं तो आप इसके ऊपर कलम बांध देते हैं। कलम बांधने में कोई खास बात नहीं है, इसको आसानी से सीखा जा सकता है, क्योंकि देखिए जितने हम आपके आम अमरूद आंवला बेल सब में कलम बांधते हैं वो कलम थोड़ा अलग होती है, लेकिन इसमें जो हम बांधते हैं इसकी कलम में, इसको हम फ्लैट ग्राफ्टिंग या बटन ग्राफ्टिंग कहते हैं या टेबलेट ग्राफ्टिंग कहते हैं। जी जी, हम मैं ग्राफ्टिंग की बात कर रहा था कि कैसे इसमें आप कलम बांधते हैं। इसको कलम बांधने के लिए जैसे ये पौधा जो आप देख रहे हैं कटा हुआ, ये जो है पौधा, ये जो सफ़ेद आपका पाइप वाला था एल्युमिनियम, इसी को हमने यहाँ से शाखा काट के इसके निकाल लिए, इसको निकाल लीजिए। ये हमारा साइंस सूट है जिसका हमें पौधा तैयार करना है, और ये हमारा बीजू पौधा तैयार है। इस बीजू पौधे को जब तैयार है तो इसको हम करीब यहाँ से लगभग काट के ऊपरी पोर्शन इसका निकाल देते हैं, और इसमें से हम लगभग आधा से एक इंच, इससे ज़्यादा नहीं, दो बड़ हों कम से कम तो अच्छा है उसमें। अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो ये जो बड़ आपकी दिख रही है ये आपकी इसकी बड़ है, यहाँ से शाखा निकलेगी, ये देखिए। लेकिन रखते हमेशा ऐसे हैं इसको, जिससे कि सीधा रहे, उल्टा नहीं होना चाहिए ये। अब इसके ऊपर हमने इसको रख दिया, दोनों बराबर काट के बढ़िया, जितना ही मोटाई बराबर होगी उतना ही अच्छा रहेगा आपका। और इसके बाद ये बड़ी सिंपल सी ग्राफ्टिंग टेप आता है, बहुत अच्छा, इसमें खिंचाव भी होता है, तो इसको जो है काट लेते हैं। जैसे अगर आप ग्राफ्टिंग टेप देखना चाहते हैं, ये देखिए ये ग्राफ्टिंग टेप है जिसको हमने इससे काट के इसको हमने निकाला हुआ है, और इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, बड़े आसानी से थोड़ा सा नीचे खींच देंगे इसको हम, और इस तरह से इसको हम टाइट करके बढ़िया से चारों तरफ से इसके ऊपर एक रबर बैंड लगा देते हैं। इस तरह से आपका ये बन के तैयार। इसको करने का सबसे अच्छा सीजन बरसात के बाद है, मतलब आप जो है क्या नाम ये सितंबर अक्टूबर के महीने में करें, अन्यथा जाड़े के बाद जो आपको फरवरी मार्च होता है समय, उस समय करें तो सबसे अच्छा रहता है। इसको हम कर देते हैं, और करने के बाद अगर मान लीजिए आपका बहुत मोटा हो तो मोटा जो जिस मोटाई का हो उसको हम उसी तरह से उसी मोटाई का लगभग, थोड़ा बहुत ऊपर कम रहेगा तो दिक्कत नहीं है, नहीं तो जो है क्या नाम उसी मोटाई का, मान लीजिए मोटा है तो आपको मोटा इसी इसमें जो है लगाना पड़ेगा आपको। अगर मान लीजिए थोड़ा ऊपर का पतला है तो एक साइड में रख देते हैं और उसके ऊपर उसको बांध देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका छोटा है ऊपर का और आपका जो है क्या नाम मोटा जो है नहीं है आपके पास, और आपको पौधा तैयार करना है, तो फिर हम क्या करते हैं, बजाय उसको बीच में रखने के उसको हम इस तरह से एक एक साइड में रख देते हैं, ऐसे एक साइड में रख देते हैं और एक साइड में रख के उसी प्रकार हम उसको बांध देते हैं जैसे भी हमने बांधा था। ये देखिए ये जो है आप उसी तरह से इसको ऐसे टाइट करेंगे, खींचेंगे इसको, और इसको भी ऐसे करके इसको आप एक रबर बैंड से इसको आप फंसा देते हैं।
ये देखिए आपका तैयार हो गया, ये आपके दोनों पौधे तैयार हो गए। आप बांधने के बाद इसको हम अगर इसके बाद करीब 20-25 दिन बाद देखेंगे तो हमारे इस तरह से ये पौधे चलने लगते हैं। ध्यान से देखिए, ये चला हुआ पौधा, ये आपने रखा था, देखिए थोड़ा सा छोटा था लेकिन ऊपर का रख के जुड़ गया है ये, और आसानी से ये चलने, ये अंदर से इसको फुटाव ले लिया है और ये चलने लगा है। हाँ, कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपका इस तरह का करने के लायक नहीं है, किसी तरह से आप चाहते हैं कि इसको हम जो है वो टेबलेट ग्रेफ्टिंग नहीं हो पा रही, ज़्यादा मोटा सूट आपका नहीं है, तो आप उसमें वेज ग्रेफ्टिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए हमने यहाँ से ले ली, यहाँ से हमने निकाल ली ये पतली सी, और हमें लगता है कि इसको हम इसकी पत्तियाँ निकाल देते हैं, पत्तियाँ नहीं रखते हैं इसमें, और इसको वेज ग्रेफ्टिंग वी शेप कट करके हम करते हैं। तो अब मान लीजिए आपका देसी पौधा है यहाँ, इसको हमने यहाँ से काटा, काटने के बाद इसको हमने फेंक दिया, और ये जो बीचों बीच है इसमें हमने क्या किया कि इसमें थोड़ा सा हमने ऐसे काटा, इसको बीचों बीच में कट दिया यहाँ पर हमने, और ये थोड़ा सा यहाँ से कट दिया, तो वी शेप कट हमारा बन गया और ये निकल गया। देखिए वी शेप कट में हमारा ये जो रूट स्टार्क या मूल वृंद है जिस पर हम कलम बांध रहे हैं उसको हमने कर दिया, और इसी में हमने ये जो है, देखिए ये छोटा सा है लेकिन अगर इसको हम ऐसे कर देंगे, थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, और इसको यहाँ से जैसे कलम बनाते हैं ना, पहले के ज़माने में जब हम बचपन में पढ़ते थे तो कलम से स्याही से लिखा करते थे, तो ये इसको इस तरह से बना के, इसको इस तरह से देखो, ध्यान से, ध्यान से, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, अगर बराबर मोटाई का होगा तो पूरा घेर लेगा, अगर मान लीजिए बराबर मोटाई का नहीं है, ऊपर का ये थोड़ा सा पतला है, तो एक साइड में मिला देते हैं इसको, इस तरह से इसको आराम से इसको मिला देते हैं, और मिलाने के बाद इसको हम बांध देते हैं। अब क्योंकि इसमें ऐसा है तो इसको हम ऐसे बांधेंगे, ऊपर इसको हम टाइट करते हुए बांधेंगे यहां पर, इसको हम टाइट करते हुए बांधेंगे, और इसको ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा बन गया वेज ग्रेफ्टिंग या क्लिप्ड ग्रेफ्टिंग है, इसको हमने बांध दिया, ये देखिए। अब जब ये पौधा जुड़ जाता है तो आपका ये पौधा, ये देखिए, ये चला हुआ पौधा है, जुड़ गया है, ये देखिए, ये जो है ये वेज ग्रेफ्टिंग से तैयार पौधा है, और ये आपका उससे तैयार पौधा है। इस प्रकार हम पौधे बांध देते हैं और बहुत अच्छे से ये चलते हैं। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, मैंने अपने छत पर ही मेंटेन किए हुए हैं ये सारे पौधे, हम लोगों को शौक है और हम इसको, ये भी फूल वो काफी लोगों को बहुत पसंद आता है, सिंगल फ्लावरिंग है लेकिन पीला फूल, कुछ में बहुत बंच में फूल आते हैं और सुंदर लगते हैं। ये पौधे चले हुए हैं, चला हुआ बहुत अच्छा पौधा चला हुआ। अब ये देखिए, ये वो काफी मोटा था नीचे से लेकिन इसको हमने बांध दिया, देखिए ध्यान से देखिए, बना हुआ है और वो चल गया। ये देखिए, एक में आप दो भी बांध सकते हैं, जैसे ये देखिए, इसमें आप जैसे दो शाखाएं हैं तो दो तरह से बांध दीजिए, एक तरफ लाल है रंग के फूल का है और दूसरी तरफ
सफेद या पीला, जैसी पसंद हो उस तरह के फूल आप बांध सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी छत पर अलग अलग पौधे जीनियम के विभिन्न प्रकार के विभिन्न उम्र के पौधे सब यहाँ पर मेंटेन हैं और इसी में पौधे नए पौधे भी तैयार हो रहे हैं। कोडेक्स भी देखें तो विभिन्न प्रकार के ये अलग तरह का है इडीनियम, एक इडीनियम अरेबिकम होता है, ये ओबेसम, दोनों के कोडेक्स में थोड़ा अंतर है। तो इस तरह से काफी वैरायटी है, इसके पौधे काफी लोग बोनसाई बनाने के लिए। अब ये देखिए, ये जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जब आप इसको कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन जब कटिंग से तैयार करते हैं तो इसमें फिर कोडेक्स उस तरह का सुंदर सा नहीं बनता है। पौधे तो बन जाते हैं, फूल भी निकल आते हैं, सब बढ़िया हो जाता है, तो उसमें कोडेक्स जो बनता है नीचे, कोडेक्स जो बनता है वो नहीं उसमें बनता है, तो उसकी सुंदरता उतनी नहीं हो पाती। तो इस प्रकार हमारा उद्देश्य था कि इसको अगर कुछ लोग व्यवसाय के रूप में भी अपनाएं तो इसका काफ़ी अच्छा बाजार है, क्योंकि अब लखनऊ जैसे क्षेत्र में बाहर से पौधे, पुणे और कहाँ कहाँ से पौधे यहाँ के बिकते हैं, अगर यहाँ के लोग ये काम करने लगे तो बड़ी आसानी से, मतलब शहरी महिलाएं भी कर सकती हैं। तो इस तरह से इसको बढ़ाया जा सकता है और मैं समझता हूँ कि रोजगार का साधन बनाया जा सकता है, क्योंकि ये बात सही है, बहुत सारे BSc AG करते हैं बच्चे, बहुत सारी शिक्षा लेने के बाद भी बेरोजगार घूमते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा ध्यान दें, हुनर की बात करें, कौशल की बात करें, स्किल की बात करें, तो जब हम करना सीखना चाहते हैं तो हम हर चीज़ सीख लेते हैं। बहुत सुंदर सुंदर और बड़ी अच्छी डिमांड रहती है, कहीं से भी फली आपको मिल जाए इस तरह की तो आप उसको ज़रूर लें, उसके अपने पौधे खुद तैयार करें और तैयार करके उसके आप फिर बाद में कलम बांधें। ओके, धन्यवाद मित्रों।